Hello dear students, I'm Jaspreet Kaur from SCTV School. Students, today we learn Chapter 8, Computer Safety and Security. First of all, I will give you the introduction of this chapter. Computer safety refers to the protection of computer-based resources against unauthorized use of physical damage. कंप्यूटर सेफ्टी क्या था स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कंप्यूटर की प्रोटेक्शन करना. ओके, एज यू ऑल नो दैट कंप्यूटर्स आर सो एक्सपेंसिव. इफ यू हैव अ कंप्यूटर यू मस्ट केयर ऑफ इट. इट इज नॉट डिफिकल्ट टू कीप योर कंप्यूटर हेल्थी एंड इन गुड वर्किंग कंडीशन. मेंटेनिंग अ कंप्यूटर इन्वॉल्व्स थ्री थिंग्स. There are three things to maintain your computer. First is keeping it physically clean, protecting it from malware, and third last is backing up your important files. Let's discuss in detail. Student, first is how to keep your computer physically fit. हमें इसे physical fit कैसे रखना है हमारे computer को. The first step of computer safety is keep your computer physical fit. Dust can potentially destroy the parts of your computer. हमें क्या है, dust से अपने computer को बचा के रखना है. ये हमारे कुछ parts को क्या है, destroy कर सकती है. By cleaning your computer regularly, you can maintain its performance and avoid expenses on repair. अगर आप क्या है कंप्यूटर्स को क्या है डे बाय डे क्लीन करोगे तो क्या है ये आपको अदर एक्सपेंसेस से और रिपेयर से क्या है बचा के रखेगा. आपको ज्यादा एक्सपेंस इस पे नहीं करने पड़ेंगे और रिपेयर्स नहीं करवाना पड़ेगा. फर्स्ट क्या है, क्लीनिंग द कीबोर्ड. स्टूडेंट्स, जैसे कि डस्ट, फूड, लिक्विड एटसेट्रा, ये क्या है सारे अगर हमारे कीबोर्ड में चले जाए तो ये क्या है हमारी कीबोर्ड की जो कीज होती हैं उनको डैमेज कर देता है और कीबोर्ड हमारा वर्क नहीं करता. तो आपने क्या है कीबोर्ड को क्लीन करने के लिए एक सॉफ्ट क्लॉथ लेना है और उसे इसे क्लीन रखना है. डेली आप इसे क्लीन कर सकते हैं और इसे फिजिकली फिट रख सकते हैं फ्रॉम द डस्ट and dirt. Next is cleaning the mouse. Students, there are two types of mouse, optical and mechanical. Students, optical mouse में क्या आता है, ये क्या advanced computer pointing device है that use a LED and an optical sensor. इसमें क्या है एक LED होती है और क्या है optical sensor होता है. This type of mouse does not require any internal cleaning. इसमें क्या है इंटरनल क्लीनिंग करने की हमें जरूरत नहीं है. सिंस देयर आर नो रोटेटिंग पार्ट्स, हाउएवर दे कैन गेट स्टिकी ओवर टाइम एज डस्ट कलेक्ट नियर द लाइट एमिटर या एलईडी. यू मस्ट क्लीन द सरफेस ऑफ द माउस एंड द माउस पैड रेगुलरली टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम द माउस. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑप्टिकल माउस होता है. नेक्स्ट इज मैकेनिकल माउस. स्टूडेंट्स, मैकेनिकल माउस में क्या है एक व्हील होता है इनसाइड द यूनिट विद इट्स रोल्ड ऑन अ पैड एंड डेस्कटॉप. अगर इनमें डस्ट चली जाए तो क्या है इसे मूव करना डिफिकल्ट हो जाता है. अगर आपको लगता है कि हमारा जो व्हील है स्मूथली मूव नहीं हो रहा तो आप क्या है क्लीन कर सकते हो इसे. इसकी जो रबर बॉल होती है उसे आप क्लीन कर सकते हो और क्या है आप इसे फिजिकली फिट रख सकते हो. ये था आपका सेकंड पार्ट, फिजिकली क्लीन करने का, फिट रखने का. नेक्स्ट इज क्लीनिंग द मॉनिटर. स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड step to keep your computer physically fit. Dirt, fingerprints and dust can make your computer screen difficult to read. Students, as you all know, अगर आपकी screen पर dirt होगा, dust होगा या fingerprints होंगे तो क्या है आपको
स्क्रीन पर जो भी दिख रहा होगा वो सारा क्या है ब्लर दिखेगा, अच्छे से नहीं दिखेगा आपको। तो आपने क्या है, इट इज इजी टू क्लीन योर स्क्रीन व्हेन नीडेड, जब डस्ट या फिंगरप्रिंट्स आपको शो हो आपकी मॉनिटर पर तो आप क्या है इसे क्लीन कर लें। बट बिफोर क्लीनिंग यू शुड शट डाउन द कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है और अनप्लग करना है मॉनिटर को फ्रॉम द पावर। इफ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप शट इट डाउन, ओके, एंड यूज सॉफ्ट एंड क्लीन क्लोथ टू वाइप द स्क्रीन क्लीन। और स्टूडेंट्स आपने कोई इस पर स्प्रे लिक्विड डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना, इससे क्या है जो हमारा लिक्विड होता है वो क्या है मॉनिटर में चला जाएगा और इसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं उनको डैमेज कर सकता है, ओके। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम इलीगल एक्सेस। स्टूडेंट्स इलीगल एक्सेस क्या होता है, इलीगल एक्सेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका कोई डाटा मिसयूज कर सकता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को डैमेज कर सकता है या इसका मिसयूज कर सकता है, इससे इलीगल एक्सेस कहते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड्स लगा सकते हो या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज पासवर्ड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर यूजिंग पासवर्ड इज इम्पॉर्टेंट स्टेप टू मेक द डाटा ऑफ कंप्यूटर सेफ फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज। आप क्या है अपने कंप्यूटर पर पासवर्ड लगा सकते हो ताकि आपके अलावा कोई भी इसे यूज ना कर सके। अ पासवर्ड इज अ वर्ड और अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर यूज फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन टू प्रूव द आइडेंटिटी और गेट अप्रूवल टू गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर। द पासवर्ड शुड बी केप्ट सीक्रेट फ्रॉम दोज कंप्यूटर हु आर नॉट अलाउड टू एक्सेस योर कंप्यूटर। स्टूडेंट्स पासवर्ड तो सिर्फ आपको ही पता होगा अगर आप उसमें कंप्यूटर में लगाओगे, किसी अदर कंप्यूटर या पर्सन को नहीं पता होगा। सो आपको क्या है पासवर्ड सीक्रेट रखना होगा अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। स्टूडेंट्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक सच एज फिंगरप्रिंट, फेस एंड रेटिना आर यूज टू चेक द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। स्टूडेंट्स इसमें क्या है आप अपने फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं पासवर्ड लगाने के लिए, फेस का यूज कर सकते हैं, रेटिना चेक इसमें होता है आइडेंटिफाई होता है उसका यूज कर सकते हो। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बायोमेट्रिक मशीन यूज टू कैप्चर द बायोलॉजिकल डिटेल्स ऑफ अ पर्सन एंड कंपेयर दीज डिटेल्स विद द एग्जिस्टिंग डिटेल्स विच आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर। इट इज एन ऑटोमेटेड मेथड ऑफ रिकग्नाइजिंग अ पर्सन्स आइडेंटिटी बाई यूजिंग हिज हर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट इसमें क्या है इसके लिए आपको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले क्या है आपने कंप्यूटर में अपनी बायोलॉजिकल डिटेल इसमें आपको फिल करनी होगी अपनी, जिससे क्या है वो आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड होगी और इससे क्या है अगर मैच हुई बायोमेट्रिक डिटेल्स तो क्या है आपका पासवर्ड जो आपने लगाया है बायोमेट्रिक ओपन हो जाएगा, अगर उससे मैच नहीं हुई तो क्या है फेल्ड बता देगा, ओपन नहीं होगा पासवर्ड। स्टूडेंट इसमें है फेस रिकग्निशन, आइरिस एंड रेटिना रिकग्निशन, वॉइस रिकग्निशन, एनक्रिप्शन। स्टूडेंट्स ये अपने बुक में से रीड करना है अच्छे से, ओके।